आप लोग सुन पा रहे हैं? ये अगेन वापस से वीडियो जो है, अगेन वापस से वीडियो बंद हो जाता है यहाँ पे, है ना? सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे? यस सर। ठीक है, ये दोबारा हुआ, ये आई थिंक अभी पहले नहीं हो रहा था, ये दो बार हो गया ऐसे ही। चलो देखो, तो ये अपने पास हो गया फाइव एक्सप्रेशन, अभी और भी देखने बाकी है। अभी बताओ आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि क्यों हम लोग यहाँ पे डबल बार यूज कर रहे हैं? इसका रीजन भी आपको होना चाहिए, क्योंकि कई बार एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन होता है तो हम उसमें इनिशिएट नहीं कर पाते हैं कि सर कितने नंबर ऑफ यहाँ पे अपने को नैंड गेट लगेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है कि मिनिमम नंबर ऑफ यहाँ पे अपने कम से कम अपने को यहाँ पे नैंड गेट यूज करना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कम से कम कितना होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन को आपको संभालने आना चाहिए बस, और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो और लेते हैं यहाँ पे। देखो सिक्स नंबर मैंने बोला कि मेरे पास y इज इक्वल टू है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। अब मैंने यहाँ पे, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसका लेंथ को बढ़ा रहे हैं, मतलब मैंने सिक्स इनपुट आप यहाँ पे लेने वाला हूं। ठीक है, अभी यार एक बात मुझे आप लोग बताओ कि सर ये जो पार्ट है ए प्लस ए बी प्लस सी डी, अभी अभी तो आपने ये बताया था कि इसमें थ्री नैंड गेट लगने वाले, है ना? और मैंने बोला था कि इस एक्सप्रेशन को, इस पूरे लॉजिक डायग्राम को आपको याद रखना है। ठीक है, तो सर यहां पे भी तो वही लिखा हुआ है, बस एक्स्ट्रा क्या लिखा है आपने, बस ई एफ। ठीक, तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले मैंने यहां पे एज्यूम किया कि लेट सपोज एक्स मेरे पास है ए बी प्लस सी डी। ठीक, अब अगर मुझे इसको फॉर्म करना है तो यहां पे मैं वाई क्या लिखूंगा, सर वाई हो जाएगा एक्स प्लस ई एफ। ये यहाँ पे देखते ना आप लोग कैसे कंबाइन हो रहा है सारी चीजें। तो ए बी प्लस सी डी आपको मिल जाएगा थ्री टू इनपुट नैंड गेट से। ओके, अब आपके पास बारी आ गई है सर एक्स प्लस ई एफ। तो सर ये एक्सप्रेशन क्या आपको फिफ्थ नंबर के एक्सप्रेशन की तरह दिख रहा है क्या? बस वेरिएबल फर्क है यहाँ पे, बाकी तो वही चीजें है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका मैं यहाँ पे बार लगा देता हूं,
देखो मैंने वहां पे भी यूज किया था, तो ये क्या हो जाएगा x बार, और ये प्लस की जगह रिमूव होगा यहाँ पे डॉट ई एफ बार बाय डी मॉर्गन थ्योरम। ये तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि यहाँ पे x बार और ई एफ बार के बीच में नैंड ऑपरेशन हो रहा है? इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब x बार को और ई एफ बार को भी, ठीक है? तो देखो मैं यहाँ पे बोला कि मेरे पास है ए बी और ये नैंड ऑपरेशन से मुझे मिलेगा ए बी बार, उसके बाद सी और डी को मैंने उठाया और इसको नैंड गेट में अप्लाई किया तो मिला सी डी बार। अब ये दोनों को जब आप एक और नैंड गेट में देखो ये बन रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा सर ए बी प्लस सी डी, दैट मीन्स क्या है वो सर एक्स तो है ना, वही तो मिल रहा है अपने को, ठीक। अभी इसी एक्स को मुझे यूज करना है, एक्स बार मुझे बनाना है, तो एक्स बार बनाने के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे एक और नैंड गेट, ठीक। तो एक्चुअली में ये नैंड गेट एक इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स बार। अब मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा ई और एफ को, ये देखो ये मैंने इंट्रोड्यूस किया ई और एफ, तो यहाँ पे अपने पास आया ई एफ बार, ये दोनों आपके पास आ चुके हैं। अब इसको आप एक फाइनल नैंड गेट में अप्लाई करोगे तो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा एक्स बार डॉट ई एफ बार होल बार, ये दैट इज इक्वल टू वाई जो आपको चाहिए था। तो आपसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि सर आपको कितने नैंड गेट यहाँ पे मिनिमम लग रहे हैं, तो आप आंसर करोगे सर मिनिमम आपको 6 इनपुट नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दिस एक्सप्रेशन। समझ में के बाद आपको बताओ तो बढ़िया सा नोट्स बनाते चलना आप लोग, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ना मस्त हो जाएगा। डेली अटेंड करते रहो क्लास, यहाँ पे नोट्स अच्छे फॉर्म में होने चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ सर भारत सर ने पढ़ाया हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अपना नोट्स बहुत अच्छे फॉर्म में होना चाहिए ताकि आप जब इसका रिविजन करो जब गेट का एग्जाम आएगा तो हेल्पफुल रहेगा आपके नोट्स बनाना, ठीक है। नोट कर लिए बताओ, यस और नो, नोट कर लिए? ठीक है चलो, अब इसका डिस्कशन को थोड़ा और मजेदार किया जाए। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि ये जो मेरे पास लगे हुए हैं ये सब क्या है, इनपुट साइड है ना, ये सब क्या है मेरे पास, ये इसके इनपुट साइड है और ये मेरे पास क्या है इसका आउटपुट साइड, ये मेरे पास हो गया आउटपुट, ये क्या है अपने पास इनपुट साइड और ये आउटपुट साइड, ओके सारा बोर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे इनपुट्स अप्लाई कर रहा हूं इस टाइप के बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4, 5 और 6 लगा हुआ है और भी करेंगे अभी। तो यहाँ पे आपको अगर मैं इनपुट साइड में जो भी इनपुट में अप्लाई करने वाला हूँ ए बी सी डी जो भी है, आपको जब आउटपुट मिलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अगर आपको यहाँ पे इच नैंड गेट, जो आप नैंड गेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं टू इनपुट्स के, आपको प्रोपोगेशन डिले प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोपोगेशन डिले, ये और प्रोपोगेशन डिले एट सपोज यहाँ पे 2 नैनो सेकेंड का है, हर एक नैंड गेट से आपको 2 नैनो सेकेंड के प्रोपोगेशन डिले मिल रहे हैं, और मैं बोलूं कि आप यहाँ पे फाइनल आउटपुट में
प्रोपोगेशन डिले कितना होगा? क्या आप लोग बता पाएंगे इसको? क्या बोलते हो? चलो बताओ, फोर्थ नंबर में जब इसका एक्सप्रेशन अपन लिखे हैं, जब इसको इंप्लीमेंट किए, तो इसके फाइनल आउटपुट में कितना प्रोपोगेशन डिले होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? चलो रिप्लाई करो तो आप लोग, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। क्या बोलते हैं आप लोग? फोर्थ नंबर की पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ फोर्थ नंबर, फिफ्थ और सिक्स में भी आएंगे, पहले फोर्थ नंबर का बताओ क्या प्रोपोगेशन डिले होगा इसका फाइनल आउटपुट में। क्वेश्चन मेरा समझ में आया आप लोग को? जब इनपुट अपन अप्लाई कर दिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, डिफरेंट टाइप के मैंने नैंड गेट यूज किए और हर एक नैंड गेट आपको प्रोपोगेशन डिले दे रहा है 2 नैनोसेकंड का, तो आपको फाइनल आउटपुट आते आते कितना प्रोपोगेशन डिले होगा? 4 नैनोसेकंड। क्या बोलते हैं? 4 नैनोसेकंड। सो 4 बोल रहे हैं, कुछ 6 बोल रहे हैं, बाकी लोग चुप हो गए। सर क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या आप जल्दी से पढ़ा दो बस। देखो, हर एक नैंड गेट आपको 2 नैनोसेकंड का डिले दे रहा है, ठीक। तो कई लोग को ये भी लग रहा होगा कि सर 2 नैनोसेकंड है, 3 नैंड गेट यूज हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर 2 नैनोसेकंड और हर एक यहाँ पे 3 गेट यूज हो रहे हैं, तो कितना हो गया टोटल? 6 नैनोसेकंड। तो मैं बोलूंगा कि ये बिल्कुल गलत आंसर है। अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचो, ये गलत है। सर ऐसा क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 3 नैंड गेट लग रहे हैं, तो 6 नैनोसेकंड आंसर आएगा, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन इसी टाइप से कई बार आता रहता है। तो आप ये भी मत सोचना कि आपको एक कंप्लीट फिगर गिवन होगा और उस फिगर को देख के आपको प्रोपोगेशन डिले बताना है अपने फाइनल आउटपुट पे, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केस 95% केस ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ लिखा होगा कि आप इस एक्सप्रेशन को नैंड गेट यूज करके बनाओ और उसमें हर नैंड गेट आपको 2 नैनोसेकंड का डिले दे रहा है, तो फाइनल में, फाइनल आउटपुट में इस एक्सप्रेशन को बनाते बनाते आपको कितना प्रोपोगेशन डिले मिलेगा। कभी भी फिगर गिवन नहीं होता 95% केस में, तो आपको फिगर भी बनाने आना चाहिए। ओके, तो 6 नैनोसेकंड इज आवर रॉन्ग आंसर। तो राइट क्या होगा? देखो, ये दोनों इनपुट यहाँ पे टोटल 4 इनपुट हो गए, तो इस आउटपुट को अगर अपने को निकालना है तो ये साइमल्टेनियसली निकल सकता है। तो हर एक नैंड गेट आपको यहाँ पे 2 नैनोसेकंड का दे रहा है, तो 2 नैनोसेकंड में तो दोनों एक साथ वर्क करेंगे, तो आपको कितना होगा सर? 2 नैनोसेकंड में तो अपने को दोनों यहाँ के आउटपुट मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद जब फाइनल आउटपुट आपको चाहिए होगा तो एक और नैंड गेट यहाँ पे यूज हो रहा है 2 नैनोसेकंड का, तो कितना डिले मिल रहा है सर? 2 नैनोसेकंड For this case and 2 nanosecond for this case, how much sir? 4 nanosecond is our answer. इसका मतलब है कि counting में वो कौन सा चीज use होगा जो parallelly यहाँ पे लग रहा है, तो उसके लिए तो एक साथ अपने को output मिल जाएगा। अब इसके लिए एक और लग जाएगा बस, क्योंकि इसका जो input बनेगा वो dependent है इस दोनों के output पे। अब ये मत सोचना कि सर तीनों एक साथ मिल जाएगा अपने को, नहीं नहीं, ये दोनों आपको एक साथ मिलेंगे और यहां पे आने के बाद इसका इनपुट जो होगा इसके आउटपुट्स पे डिपेंडेंट होगा, ठीक। सर वो हम लोग नॉट गेट के लिए यूज करते हैं, किस चीज को बोल रही है निष्ठा? देखो, अगर मैं बोलूं यहां पे कि फिफ्थ नंबर में आपको कितना मिल रहा है, सेम क्वेश्चन है सर, यहां भी बोलेंगे 4 नैनोसेकंड का। कैसे सर? एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक। अब दूसरा अगर आपसे पूछूं सर, जो फॉर्मूला होता है, हाँ एग्जैक्टली, निशा ने जो पूछा हुआ है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला हम लिखे थे डेल टीपीडी, वो था 2n डेल टीपीडी, टोटल प्रोपोगेशन डिले, ये। और ये क्या था अपने पास? टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ये प्रोपोगेशन डिले का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। 2n डेल टीपीडी और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/2n डेल टीपीडी। मैंने आपको सिर्फ टोटल प्रोपोगेशन डिले पूछा हुआ है एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ओके, ठीक। अच्छा मुझे बताओ आप लोग कि सर 6 नंबर के एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए कितना प्रोपोगेशन डिले लगेगा? जल्दी से फटाक से आंसर दे दो आप लोग, क्या बोलते हो? 6 नंबर के एक्सप्रेशन को अगर इंप्लीमेंट करना है तो आपको कितना प्रोपोगेशन डिले मिलेगा फाइनल आउटपुट में?
एट, ठीक है। सो बहुत लोग आंसर दे रहे हैं यहाँ पे एट। कैसे सर? ये देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये वन, ये टू, ये थ्री और ये मेरे पास फोर, कितने हो गए टोटल यहाँ पे? हर एक नैंड गेट आपको यहाँ पे टू नैनो सेकंड दे रहा है, मतलब टू इंटू टोटल यहाँ पे आएंगे सर फोर, मतलब एट नैनो सेकंड। परफेक्टली आपने आंसर दिया, सभी लोगों ने एट नैनो सेकंड दिया यहाँ पे, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो तो ये हो गया सिक्स नंबर। अभी आप लोग को मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं, इसको आप लोग बनाना, ठीक है, और मुझे बताना कितना यहाँ पे नैंड गेट लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड सेवन नंबर। और ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। चलो मैं आप लोग का वेट कर रहा हूं यार, क्या बोलते हैं आप लोग, कितना लगेगा इसमें? तो मेरे मिटा दे तक आप लोग सोच लो, सॉल्व करो, आप लोग बताओ कितना आएगा, जो भी आ रहा है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 जो भी आ रहा है आप लोग बताएंगे सभी। अरे गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी आंसर देना आप लोग, और सही हो गया तो अच्छी बात है। ओके, सिक्स लग रहा है। दो लोग का आंसर आया सबसे पहले वैभव फिर दीपक, ठीक। देखो ये एक्सप्रेशन है मेरे पास सेवन नंबर का। अभी सर आपको इसमें ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैंने ए कॉमन लिया? नहीं, मैं बी कॉमन ले सकता हूं यहां से। तो मैंने अगर बी कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, उसके बाद ये हो जाएगा सी डी। ओके समझ में आ गई बात। अब सर अगर मुझे यहां से बी ए प्लस सी प्लस सी डी, ये आपको जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन को अगर मुझे फॉर्म करना है, ठीक, तो सबसे पहले मुझे ए प्लस सी को निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद बी के साथ, फिर सी और डी के साथ, चार इनपुट यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, तो मैंने प्लस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे बार अप्लाई किया होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा सर? बी, आप पहले तो आप ये अज्यूम कर लो कि यहां पे लेट सपोज मेरे पास एक्स जो है, एक्स वो है ए प्लस सी। सर आपने इसको अलग क्यों लिया हुआ है? क्योंकि यार ध्यान से देखो ना, ए और सी के बीच में और ऑपरेशन हो रहा है, तो और ऑपरेशन के लिए अगर मैं नैंड गेट यूज करता हूं तो मुझे कितने नैंड गेट लगते हैं आपको तो पहले से ही पता है ना। देखो कितने लगेंगे अपने पास, ये सर थ्री लगेंगे टोटल। तो ये आपको मिल जाएगा ए प्लस सी, मिल गया सभी को ये, ठीक। तो अपने को एक्चुअली में यहां पे एक्स मिल चुका है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि इसी एक्सप्रेशन में मैं यूज कर रहा हूं बी एक्स प्लस सी डी होल बार बार। अब आपको ये कैसा दिख रहा है बताओ? सर ये तो वही दिख रहा है ना जो फोर्थ नंबर आपने जब यहां पे ड्रॉप किया था, आपने बोला था उसको रिमेंबर रखो करके। तो इस पैटर्न में आप चीजों को समझोगे ना तो आपको चीजें लॉन्ग लास्टिंग याद रहेंगी, ठीक। तो ये सर वैसे ही दिख रहा है जैसे आपने फोर्थ नंबर पे दिखाया था। अब आप याद करो सर कि ए बी प्लस सी डी होल बार होल बार, तो इसको आपको एक्सप्रेस करने में कितने नैंड गेट लगे थे? सर तीन लगे थे, तीन ऑलरेडी लग चुका है, तीन और लगेंगे, कैसे वो देखो। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं सर बी एक्स होल बार डॉट सी सी डी बार होल बार, ये मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहां पे मेरे पास हो गया ये बी
एक नैंड गेट मैंने अप्लाई किया तो आपको मिल गया बी एक्स बार और सी और डी, इसको भी मैंने उठा के लाया और ये आपको मिलेगा सी डी होल बार। अब इसी को दोनों को अप्लाई कर दो आपको एक और नैंड गेट में, तो आपको मिलेगा बी एक्स बार डॉट सी डी बार होल बार, दैट मीन्स बी एक्स प्लस सी डी, और यही अपने पास क्या बन रहा है सर, वाई बन रहा है। सो टोटल कितने लग गए यहाँ पे सर, टोटल 6 नैंड गेट लग गए। ठीक, इसी पैटर्न में आप याद रखो चीजों को तो आप कहीं भूलोगे नहीं। चलो एक और देता हूं मैं आप लोग को, ए बी सी प्लस डीई, ये और एक और ए बी सी प्लस ए बार प्लस बी बार। चलो ये दो है आप लोग के लिए, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप सॉल्व करो। दो लिख दिया मैंने, ए बी सी प्लस डी, और 9 नंबर है ए बी सी प्लस ए बार प्लस बी बार, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लिया जाए। ठीक, अगेन 6, अच्छा वैभव ने आंसर दिया है 6। ठीक, और कोई, और कोई बोलना चाहेगा? अब मैंने बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में बिना कॉमन लिए 4 से हो रहा है। अच्छा एक बार आप फिर से चेक करो, कहीं पे मिस्टेक कर रहे होंगे या अदरवाइज आप मुझे भेज देना, मैंने आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है उसमें, मैं उसको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 8 में 6 आ रहा है, देख लेते हैं इसको, 8 नंबर में 6 आ रहा है। ठीक, तो अगर मैंने, चलो एज्यूम किया, अभी इसमें कई लोग क्या कर रहे होंगे, ये बार अप्लाई कर रहे होंगे, अगर मैं इसमें एज्यूम कर रहा हूं, लेट सपोज x इज इक्वल टू ए बी, ये मैंने एज्यूम किया। ठीक है, तो सर ए बी आपके पास क्या है, ए और बी के बीच में एंड ऑपरेशन है। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा फिर सर, y इज इक्वल टू एक्स सी प्लस डी ई, ये बनेगा। तो अगर मुझे पहले ए बी निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि a और b ये दोनों का मैं नैंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो ये मिलेगा ए बी बार, और फिर से मैं इसी का नैंड ऑपरेशन करूंगा तो मिल जाएगा मुझे यहाँ पे ए बी, ये मिल गया x। ठीक, अब इसी को मैं, अब ध्यान से देखो इसको कि सर ये जो लिखा हुआ है आपने ए बी को अलग क्यों किया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो सर ए बी को अलग लेने से ये बन गया एक्स, जो आप लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसको बनाने मुझे 2 नैंड गेट लग रहे हैं अभी तक ऑलरेडी। अब ये एक्सप्रेशन आपको वैसे ही दिख रहा है जैसा एक्सप्रेशन मैंने आपको 4th नंबर में बताया था, याद है आपको? तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप डबल बार यूज करना स्टार्ट करोगे, ये डबल बार, तो ये आपको मिला सर, ये सी आप लेके आओगे, अब ये हो गया अपने पास एक्स सी बार, और यहाँ पे आप लेके आने वाले हो डी और ई, तो आपके पास बनेगा डी ई होल बार। अब इसको फिर से आप अप्लाई कर दो कहां पे, एक्स सी होल बार डॉट डी ई बार और होल बार, दैट मीन्स एक्स सी प्लस डी ई, और यही अपने पास क्या है फाइव। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 टोटल कितने यूज हो रहे हैं सर, 5 टू इनपुट नैंड गेट, ये 5 टू इनपुट नैंड गेट। ये अरुण भाई यहाँ पे 8 का 3 आ रहा है, खतरनाक, 8 का 3 कैसे आ रहा है, 3 इनपुट के नैंड गेट यूज कर लिए क्या? अपने पास रेस्ट्रिक्शन है कि अपने को सिर्फ 2 इनपुट के नैंड गेट यूज करने हैं।
दो इनपुट के नैंड गेट यूज करने हैं, मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखवा दिया इसको, दो इनपुट के नैंड गेट ही यूज करने हैं। चलो नाइन्थ नंबर पे आते हैं। अब सर नाइन्थ नंबर, बाकी लोग आंसर नहीं दिए नाइन्थ नंबर का, यार ऐसे मजा नहीं आएगा ना, नाइन्थ नंबर का आंसर दो ना, क्या बोलते हो? देखो तो जल्दी आंसर दो तो नाइन नंबर का। नाइन नंबर का आंसर दो, मजा आएगा। फाइव मे बी, यार ऐसा ऑप्शन नहीं होता है ना, ऐसा ऑप्शन एग्जाम में नहीं होता है, मे बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट करते रहो, सही हो गलत हो बात की बात है, कल एग्जाम थोड़ी अपना है ना, चलते रहेगा, जितना प्रैक्टिस आप करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलो कुछ लोग फाइव बोल रहे हैं, वैभव ने बोला हुआ है, समिक जैन पहले भी है, वैभव का आया हुआ था फाइव। ठीक, समिक जैन का भी फाइव आ रहा है, क्या बोलते हैं बाकी लोग? बाकी लोग सो गए क्या यार, बताओ तो, अपने जिंदा होने का प्रेजेंस दो आप लोग, जिंदा हो भी आप लोग कि सो गए बताओ तो। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं, बहुत देर हो गया। नाइन नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो सर, कितने, ये सबसे टफ टास्क यही होता है कि मिनिमम यार कैसे, कम से कम कैसे यूज कर ले हम लोग, सबसे टफ टास्क यही होता है। और मैं बोलूंगा कि सबसे टफ क्वेश्चन यही होता है कि आप गेट एग्जाम में आ गया, अगर एक्सप्रेशन जो है वो उल्टा सीधा आ गया, जैसे मैंने नाइन्थ नंबर का एक्सप्रेशन को थोड़ा अलग लिया हुआ है बाकी एक्सप्रेशन से, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये सर कि ये प्लस नहीं होना चाहिए अपने पास, नहीं होना चाहिए ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, ए बी सी, सर ए बार और बी बार में अगर आप डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ए बी होल बार, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक, अब आपको क्या दिख रहा है कि ये प्लस को भी तो रिमूव करना यारो, क्या करोगे इसमें सर, मैं डबल बार यहां पे यूज कर लेता हूं, इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी सी, ये बार फिर डॉट ए बी बार बार, ये देखो और एक और बार, क्या बात है, बहुत सारे बार आ गए यहां पे, समझ में आई बात, ए बी सी बार डॉट, प्लस से डॉट हो गया, ए बी बार होल बार और होल बार, ये पूरे में ये आप देख सकते हो। ठीक, अब अगर मैंने यहां पे ये, अगर मैंने यहां पे बोला कि सर ए बी आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो मैं लेट सपोज लिया एक्स इज इक्वल टू ए बी, अगर मैंने चलो एक्स को ए बी ले लिया, ठीक, तब क्या होगा अपने पास, देखना आप लोग एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं यहां से, इससे सर एक्स सी होल बार डॉट एक्स सी, अब ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स, एक्स बार बार, ठीक, होल बार। सर ये जो डबल बार लगा हुआ है इसको तो आप रिमूव कर सकते हो ना, तो रिमूव करते हैं, तो यहां पे देखो रिमूव करके हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स सी बार एक्स होल बार, यहां तक आप पहुंच चुके हो। आप क्या किसी भी कॉमन पार्ट को अगर रेज्यूम करते हो ना, तो आपको चीजें आसान दिखने लगती है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं। ओके, अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक्स फाइंड कर लेते हैं, जो हम लोग रेज्यूम किए हैं अभी तक तो वैसे ही कर रहे थे ना हर एक क्वेश्चन में, तो सबसे पहले मैं एक्स को फाइंड कर लेता हूं। तो एक्स फाइंड करोगे तो आपको दिखेगा सर, आप ए और बी को अप्लाई करोगे एक नैंड गेट में, चलो सर ये हो गया अप्लाई, आपको मिला सर ए बी बार, फिर आप क्या करोगे, आप इसी को अप्लाई करोगे फिर से नैंड गेट में, तो आपको मिल जाएगा सर ए बी दैट इज इक्वल टू एक्स, जो आपने रिज्यूम किया हुआ है। ठीक, आप कहां तक पहुंच गए हो सर, आपको एक्स मिल गया है। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, आपको एक्स मिल चुका है, अब आपको क्या चाहिए यहां पे सर, एक्स और सी का नैंड ऑपरेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप एक्स को उठाओगे और ये सी, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा सर, नैंड, मतलब एक्स सी नैंड ऑपरेशन, ये देखो यहां तक आप पहुंच गए। ये, अच्छा ये क्या अपने पास सर, ये अपने पास क्या है सर, एक्स बार, ये क्या अपने पास सर, एक्स बार, ठीक है, ये एक्स बार और ये एक्स सी बार, ये अपने को यहां तक मिल चुका है।
अब अपने को क्या करना है सर, अपने को अब XC बार और X इन दोनों का NAND ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसका मतलब ये XC बार मिल चुका है और ये X इन दोनों का NAND ऑपरेशन। तो देखो ये मैंने इसको उठाया इनपुट को और मैंने इसके साथ इसे एक NAND गेट में डाल दिया, तो आपको मिलेगा XC बार X होल बार। सर यही तो अपने पास Y है ना, तो आप खुद बताओ सर कि इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट लग रहे हैं, टू इनपुट NAND गेट। तो आप बोलेंगे सर ओनली फोर ये, ठीक कितने लग रहे हैं टोटल यहां पे, फोर ये। बस आप चीजों को सिंप्लीफाई करो, मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को यहां पे, किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा हूं, कैसे मैं किस वेरिएबल और किस इनपुट को कॉमन ले रहा हूं, किसी एक अनदर वेरिएबल में चेंज कर रहा हूं। आप तरीका देखो, सभी लोग समझ गए होंगे यहां पे, लेकिन आप तरीका देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ भी एक्सप्रेशन मिल गया ना तो दिक्कत होती है एग्जाम में। ओके चलो बताओ कैसा लगा ये लास्ट वाला, बताओ तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत कैसा लगा बताओ। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो था क्वेश्चन था सर NAND गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक NAND गेट से हम लोग, एक NAND गेट के एप्लीकेशन से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बुलियन फंक्शंस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। और इसी गेट के थ्रू हम लोग आगे जाके जो पढ़ेंगे स्पेशल गेट्स, XOR गेट और XNOR गेट, वो भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने XOR और XNOR बताया ही नहीं है। ठीक है, और सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पे NOR गेट के लिए भी देखते हैं। ओके, तो इसका आप नोट कर लिए होंगे, अभी तक क्वेश्चन लिखेंगे आपको फिर से। NAND गेट की बात हो गई है, अब NOR गेट का भी ऐसे एक्सप्रेशन देख लेते, इतना ज्यादा नहीं करेंगे, कुछ हद तक करेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो। तो आप लोग क्वेश्चन लिखो, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट NOR गेट। यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट NOR गेट। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम लोग NAND गेट के लिए देख चुके हैं। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि सर NOT गेट कैसे मिलेगा NOR गेट से। ये NOT गेट, पहले तो बात ये कि सर NOR गेट का एक्सप्रेशन आपने बताया था A प्लस बी होल बार, यही होता है, और NOT गेट का एक्सप्रेशन होता है अपने पास A बार। सर इसका मतलब कहने का क्या है ये कि अगर मैंने यहाँ पे NOR गेट यूज किया, ये NOR गेट है और इसके दोनों इनपुट पे मैंने वही इनपुट को दिया है जो इनपुट मुझे यहाँ पे आउटपुट में चाहिए, तो क्या बनेगा सर A और ये A, मतलब A प्लस A होल बार, ऐसे ही बनेगा अपने पास। अब सर A प्लस A सेम इनपुट है तो ये हो जाएंगे A होल बार। सर यही तो एक्सप्रेशन अपने पास किसके लिए होता है सर, Y के लिए, मतलब NOT गेट। सेकेंड नंबर आते हम लोग और बात कर रहे हैं OR गेट का, दैट इज Y इक्वल टू A प्लस B होल बार। ठीक है, सॉरी A प्लस B, ये ओनली। तो यहां पे क्या करेंगे अपन, अब मेरी बात ध्यान सुनना आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया था NAND गेट के लिए, NAND गेट में दोनों इनपुट के बीच में AND ऑपरेशन हो रहा था, याद आया, और बार लगा हुआ था। लेकिन जब NOR गेट की बात होती है तो NOR गेट में अपने पास A प्लस बी और ऑपरेशन हो रहा है दोनों इनपुट्स का, फिर उस पर बार अप्लाई हो रहा है। ओके, तो आपको यह भी चीज याद होगा कि जब मैं OR गेट को इंप्लीमेंट किया था यूजिंग टू इनपुट NAND गेट, तो मैंने इसको मॉडिफाई किया था, डबल बार यहां पे लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि सर वहां पे ये पॉजिटिव साइन नहीं होना चाहिए यूजिंग NAND गेट,
लेकिन जब हम लोग नॉर गेट की बात करते हैं तो नॉर गेट में अपने पास पॉजिटिव साइन तो होना चाहिए, अब अपोजिट हो गया आप चीज, है ना। तो यहाँ पे आपको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करोगे, ये दोनों इनपुट को आप अप्लाई करोगे नॉर गेट में और इससे आपको मिलेगा ए प्लस बी होल बार। आपको ये बार को रिमूव करना है ना, तो सर कॉम्प्लीमेंट कर दो। आप कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, सर एक और नॉर गेट अप्लाई कर दो ना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल बार बार, उसका मतलब a प्लस बी दैट मीन्स y मिल गया आपको। ये देख लो आप, क्या मिल गया आपको, y। ठीक, थर्ड नंबर एंड गेट। अब एंड गेट की बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन होता है अपने पास ए बी। सर यहां पे आप गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया, कैसे, अब देख रहे हो कि ए बी इंटू मतलब एंड ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन अपने को क्या चाहिए सर, प्लस चाहिए और ऑपरेशन, इसको आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे, ये देखो मैं इसको ऐसा ले सकता हूं ए बी बार होल बार, डी मॉर्गन थ्योरम से ये हो गया ए बार प्लस बी बार होल बार। क्या आपको समझ में आया, ठीक। अब सर इसका कहने का मतलब ये है क्या कि ए बार और बी बार के बीच में नॉर ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन, ठीक। तो मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले ए से मैं यहां पे इंप्लीमेंट करूंगा क्या चीज, ए बार, फिर मैं बी से यहां पे इंप्लीमेंट करूंगा बी बार, और इसी दोनों को मैं फिर से नॉर ऑपरेशन में लगा दूंगा तो आपको मिल जाएगा ए प्लस बी बार बार होल बार, दैट मीन्स ए बी। क्या आपको बात समझ में आ गई, तो ये तीनों बेसिक गेट को आपको देखते क्या लग रहा है कि सर नॉर गेट बनाने में एक टू इनपुट के नॉर गेट लगे, यहां पे दो लगे और यहां पे तीन लगे, ये सब देखो आप जोड़ीदार हैं, यहां पे सेम सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था नैंड गेट से 1 2 3, लेकिन वहां पे पहले मैंने एंड गेट लिया था, अब यहां पे पहले और गेट ले रहा हूं, है ना। सिक्वेंस वाइज देखना यहां पे सब चीजों को, चलो फोर्थ नंबर पे आते हैं। और मैंने लिखा a प्लस बी सी प्लस डी, ये मुझे फॉर्म करना है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ सर, ये जो a प्लस बी लिखा है और c प्लस डी लिखा है, यही बताऊंगा बस मैं आगे, फिर आप टॉपिक पे बढ़ जाएंगे आगे, है ना। रूल्स बता रहा हूं, तो a प्लस बी में प्लस तो है, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। c प्लस डी के बीच में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों ब्रैकेट के बीच में सर इनटू है एंड ऑपरेशन, तो क्या करेंगे सर, यहां पे होना चाहिए प्लस, तो मैं बोलूंगा कि ए प्लस बी और ये सी प्लस डी, यहां मैंने बार अप्लाई किया, ये आप देख सकते हो, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी बार और सी प्लस डी बार, और डी मॉर्गन थ्योरम से ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए डिफरेंट इनपुट्स में। तो अब आप मुझे बताओ क्या वो चीज मिल गया, यहाँ पे हम लोग सारे जगह पे प्लस आ चुका है, अब हम लोग यहाँ पे नॉर गेट यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो सर ए प्लस बी का होल बार हो रहा है, मतलब ये ए और बी के बीच में किसको बता रहा है सर, नॉर ऑपरेशन को, तो ये देखो ए और बी के बीच का नॉर ऑपरेशन क्या मिला, ए प्लस बी बार, फिर सी और डी का नॉर ऑपरेशन C प्लस डी बार, सर ये दोनों का फिर से नॉर ऑपरेशन, मतलब नॉर गेट में आप अप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, ये A प्लस बी और C प्लस डी, दैट इज द फाइनल आउटपुट। तो टोटल आपको कितने नॉर गेट लग रहे हैं टू इनपुट्स के, सर तीन लगने वाले हैं, ठीक है। अब याद करो मैंने सेम एक्सप्रेशन लिया था, बस थोड़ा डिफरेंस था कि A B प्लस C D था, याद आया। अब इसको मैंने बनाया था किससे सर, नैंड गेट से, इसको आप वापस लिखेंगे यहां पे, इसी जगह पे वापस लिखेंगे आप लोग ए बी और सी डी, और ये दोनों मिलके यहां बनेंगे फाइनल आउटपुट ए बी प्लस बी सी। तो
तो सर आप इसको दोनों को देख रहे होंगे बड़े प्यार से, तो आपको क्या दिख रहा है कि सर दोनों जगह पे आपको नॉर गेट से 3 लग रहे हैं और इसमें नैंड नैंड गेट से आपको 3 लग रहे हैं, और दोनों एक्सप्रेशन में बस फर्क ये है कि यहाँ पे ए प्लस बी सी डी और यहाँ पे है ए बी प्लस सी डी, बस फर्क यही है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद दोनों का फोर्थ नंबर केस आपको याद रखना है, ये दोनों का फोर्थ नंबर केस आपको याद रखना है, क्योंकि इसी फोर्थ नंबर केस के जरिए मैंने बाकी के 5, 6, 7, 8, 9 सब कुछ बना दिया था, आपको याद होगा सब कुछ मैंने बना दिया था, ये मेरा बेंचमार्क था फोर्थ नंबर केस, चाहे वो नैंड गेट हो चाहे वो नॉन गेट हो, समझ में आ गई बात ठीक। और प्रोपोगेशन डिले की अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने नैंड गेट में प्रोपोगेशन डिले का जो कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे काउंट करते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे सर हर एक नॉर गेट जो है वो 2 नैनोसेकंड का आपको डिले दे रहा है, तो यहाँ पे कितने लगेंगे सर, ये 2 नैनोसेकंड एक यहां लगेगा और दूसरा दूसरा अपने पास लगेगा यहाँ पे, इसका मतलब 4 नैनोसेकंड का डिले आपको मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम है सब कुछ ठीक। चलो बताओ समझ में आया, रिप्लाई करो, समझ में आया आप लोगों को पूरा? ठीक है समझ गए। चलो अब हम लोग यहां पे नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल गेट्स, स्पेशल गेट्स। और ये दोनों क्वेश्चन होने के बाद आप लोग एक नोट लिख लो, आप एक नोट लिख लो कि एनी बुलियन फंक्शन यहां तक नोट कर लिए होंगे अभी तक, है ना? तो आप एक नोट लिखेंगे इसके बाद दोनों क्वेश्चन होने के बाद, एनी बुलियन फंक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट। एनी बुलियन फंक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग नैंड गेट एंड नॉर गेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, है ना? एक छोटा सा पॉइंट है, होना चाहिए ये दोनों क्वेश्चन के बाद नीचे में होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स। आप लोग कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्पेशल गेट्स का, थर्ड नंबर स्पेशल गेट्स, और उसका फर्स्ट हम देखने वाले हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके एब्रिविएशन में एक्स ऑर, यही बोलते हैं ना, ये एक्स ऑर गेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो सिंबल लिखना स्टार्ट करते हैं, सिंबल। सो सिंबल जो होता है, अगर मैं एक 2 इनपुट XOR गेट की बात कर रहा हूं A और B, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 इनपुट XOR गेट, ठीक है, और इसका आउटपुट होगा Y इज इक्वल टू, ये देख लो क्या लिख रहा हूं, A XOR विथ B। ठीक, अब सर ये जो लिखा हुआ है y is equal to a xor with b, कल मैंने एक क्वेश्चन लिया था लास्ट में जिसमें x nor यूज हुआ था, अभी आपको पता चल जाएगा अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है, तब उस क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व कर लेना। तो यहां पे ये होता है अपने पास a b bar, ठीक, प्लस a bar b, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ए बी बार प्लस ए बार बी। चलो अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक, ट्रूथ टेबल।
तो यहीं पे मैं ट्रुथ टेबल बना देता हूं, ट्रूथ टेबल। यहां से देखना आप लोग, मैंने दो इनपुट लिया ए और बी, दो इनपुट XOR गेट की बात हो रही है, ए XOR विद बी, ठीक। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे, मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1, तो XOR गेट आपको जो आउटपुट मिलेगा वो होगा 0 0 के लिए 0, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 0, और 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1, और 1 1 के लिए 0, ठीक। आप बोले सर ये आया कैसे है, तो ए एक्स और विद बी का आप जब इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो इस एक्सप्रेशन के लिए पूरा एक ट्रूथ टेबल आप लोग डिजाइन कर लेना। मेरे को पता है आप लोग नहीं करोगे, मैं आपको बोल भी नहीं रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी एक्सप्रेशन से ये आपको सेम लॉजिक यहाँ पे तैयार होता हुआ दिखेगा। सर आप ये बोलना चाह रहे क्या इस ट्रूथ टेबल को देख के कि जब दोनों इनपुट, जब ये दोनों इनपुट का कोई भी एक, नहीं सर ऐसा तो दिख ही नहीं रहा ये, यहां पे एक्चुअल क्या हो रहा है पता है, दोनों इनपुट के जब दोनों 0 0 और 1 1 दोनों स्टेट सेम रहेंगे, सेम रहेंगे, तो यहां पे आउटपुट आपको 0 मिलेगा। ये देख लो 1 1 0 0 के लिए ये सेम, तो सर इसमें आउटपुट 1 कब मिल रहा है, जब दोनों आपस में डिफरेंट होंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंट, जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे, आइदर 0 और 1, एक बार हो गया तो दूसरा 0 होना ही है, टू गेटिंग द आउटपुट 1, ठीक है। इसका मतलब सर ये आप कहना चाह रहे हैं क्या कि एक्सक्लूसिव OR गेट जो होता है वो एक इनइक्वालिटी डिटेक्टर होता है, क्या होता है, इनइक्वालिटी डिटेक्टर, इसका नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनइक्वालिटी डिटेक्टर, ठीक है। तो ये टू इनपुट्स की बात हो गई है, अगर मैं थ्री इनपुट XOR गेट की बात करता हूं, टू इनपुट XOR गेट, ध्यान से देखते रहना आप लोग, सबसे पहले इसका अपन सिंबल बनाएंगे, ये देखो ये सिंबल ए, ये बी और ये सी, बढ़िया से ले आया मैंने तीनों को, तो ये हो जाएगा आउटपुट अपने पास ए XOR विद बी XOR विद सी। ये जो XOR ऑपरेशन है वो एनी नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए अप्लाई हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 और 3 को बता देता हूँ, ठीक है, और वैसे ही बाकी गेट्स भी हो सकते हैं, मैंने 2 और 3 इनपुट्स को बता दिए क्योंकि इतना ही यूज होता है, इतना ज्यादा मैक्सिमम यूज नहीं होता, ठीक। देखो तो यहाँ पे अच्छा मैं इसको ऐसे भी फॉर्म कर सकता हूं, मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले ए और बी को, अगर मुझे आपको बोला है कि सर आपको 3 इनपुट, मतलब आपको ये एक्सप्रेशन चाहिए, ये एक्सप्रेशन मतलब कितने इनपुट का है, 3 इनपुट का एक्सप्रेशन है, और आपको इसको यूज करना है यूजिंग, मैं आप लिख देता हूं यूजिंग 2 इनपुट XOR गेट, आपको सिर्फ 2 इनपुट XOR गेट यूज करना है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं है, आप किसी भी 2 इनपुट को लोगे, तो मैंने यहाँ पे लेट सपोज लिया हुआ है ए और बी को, आप कोई भी ले सकते हो ना, आपके ऊपर है, आप ए और सी को साथ में पहले XOR करा दो, फिर उसका तीसरे इनपुट के साथ फिर से XOR करा दो, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, ये देख लो किसी इनपुट को आप साथ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा अपने पास y is equal to a XOR with b, तो ये तो आपने पहले किया ही था, और इसके साथ बन जाएगा c, तो ये दोनों चीजें एक ही है, ये है 3 इनपुट XOR गेट, और ये है 2 इनपुट से वही बना हुआ है, 2 इनपुट से, 2 इनपुट XOR गेट से बना हुआ है ये 3 वेरिएबल्स के लिए XOR ऑपरेशंस, ठीक है, समझ में आ रही बात, नोट कर लो। ठीक है, अब बारी आती है सर कि ट्रूथ टेबल ये बनाया जाए। देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम 3 इनपुट्स के लिए बताने वाला हूँ ट्रूथ टेबल, 3 इनपुट्स के लिए मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम बताऊंगा यहाँ पे ट्रूथ टेबल XOR गेट के लिए, सेम एज इट इज XOR में भी करेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। ये लिया मैंने ए विद बी और ये सी, एक तरफ मैं आउटपुट ले रहा हूँ ए XOR विद बी का, ठीक है, चलो और एक और लिया मैंने, जो लेना आपने एक्चुअली ए XOR विद बी XOR विद सी, ठीक, ये मैं लेने वाला हूं y is equal to a XOR with b XOR with c, तो 3 इनपुट है, so we have 8 combinations, as you know 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 double 0 1 0 1
110 और यहां पे 111, ठीक है। अब देखो, अभी मेरे को यहां पे एक्स और ऑपरेशन किसका कराना है? सर एक्स और ऑपरेशन अपने को कराना है जीरो ए और बी के बीच का, मतलब सिर्फ मैं ये दो की बात कर रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ दो इनपुट का है ना इस टेबल के लिए, ध्यान से देखना आप। तो आपको क्या मिल रहा है सर यहाँ पे, देखो जीरो जीरो के लिए सर इनइक्वालिटी डिटेक्टर है ना, ये वन कब शो करेगा? इनइक्वालिटी डिटेक्टर है तो ये वन कब शो करेगा? जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे, एक होगा जीरो पे, दूसरा होगा वन पे, पहला होगा वन पे तो दूसरा होगा जीरो पे, डिफरेंट इनपुट्स के लिए। तो जीरो जीरो के लिए सर जीरो, ठीक, ये जीरो, सर ये वन, सर ये बताओ वन, फिर ये वन, ये वन, सर जीरो और ये जीरो, खत्म काम, ओके। अब मुझे यहाँ पे ये तीनों का करना है, तीनों का मुझे एक्स और ऑपरेशन करना है। तो सर आपने तो ए और बी का कर लिया है ना, तो आप ए और बी का सी के साथ कर दो, सी के साथ करेंगे तो क्या होगा सर, जीरो जीरो का, समझ रहे मेरी बात को, ए और बी का आपने कर लिया है, आप सी के साथ एक और करना बाकी है, तो जो आपने ए और बी अगर लिया तो आप उसी को सी के साथ एक्स और करा दो, ये देखो ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा जीरो जीरो के लिए जीरो, ये सर वन लिखो ना आप, ये वन, फिर ये सर ये जीरो, फिर ये वन, फिर ये जीरो, फिर ये वन, नहीं ये भी जीरो और ये वन, ठीक, यहां तक आप पहुंच चुके हो। इसको नोट करने के बाद आप लोग कमेंट करना मुझे, अभी उसमें कुछ एक्सप्लेन करना बाकी है, ठीक है, उसमें कुछ एक्सप्लेन करना बाकी है अभी। मस्त से टेबल बनाना आप लोग, नोट किए बताओ। नोट किए, ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं आपसे रिमूव कर देता हूं। अभी आप इस टेबल को देख रहे होंगे है ना, थ्री वेरिएबल्स वाला जो टेबल मैंने ट्रू टेबल बनाया हुआ है, उसमें आपको कुछ खास नजर आ रहा है, कुछ चीज कुछ खास ऐसा नजर आ रहा है आप लोग को थ्री वेरिएबल्स का थ्री इनपुट्स के टेबल में? सर खास क्या है सर, लिख लिए बहुत बड़ी बात है, देखो मैं बता रहा हूं, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बताओ ना, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, सर तीन है। सर नंबर ऑफ वंस कितने हैं मुझे बताओ तो, आप नंबर ऑफ वंस कितने यहाँ पे, नंबर ऑफ वंस कितने यहाँ पे, सर एक भी नहीं है ना, जीरो लिखो आप जल्दी से, ये देखो। फिर उसके बाद सर यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, वन, नंबर ऑफ वंस कितने हैं सर वन, नंबर ऑफ वंस सर टू, नंबर ऑफ वंस सर वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, समझ में आ गई बात। अब नंबर ऑफ वंस को अगर आप देख रहे होगे, अगर ये बनाने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है इस तरफ, तो आप इस तरफ बना सकते हो ना अपने कॉपी में, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने यहां बनाया है। तो नंबर ऑफ वंस अगर आप देख रहे हो इनपुट्स का, तो आपको जीरो वन वन ये सब दिख रहा होगा, ठीक। सर जीरो एक इवन नंबर होता है सर, ये एक ऑड नंबर है, ये सर ये भी तो ऑड है ना सर, टू क्या होता है इवन नंबर, ये ऑड नंबर, फिर ये इवन नंबर, फिर ये भी इवन नंबर, और थ्री होता है अपने पास ऑड नंबर, ठीक। अब ध्यान देखे रहना यहां पे कि जब जब मेरे पास नंबर ऑफ वंस ऑड थे,
ये देखो, ये जब जब मेरे पास ऑड थे कौन नंबर ऑफ वंस, ठीक, तो आपको हमेशा क्या मिला, आउटपुट वन मिला, ये आप देख लो, ठीक। और जब जब मेरे पास इवन था, ये सब इवन है यहां पे, इवन इवन, उसके हर एक केस में आपको यहां पे क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। सर कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं आप यहां पे, कि जिस तरीके से मैंने एक्सॉर गेट को इनइक्वालिटी डिटेक्टर बताया था, क्यों, क्योंकि जब डिफरेंट इनपुट होगा तो आपको वन मिलेगा और सेम इनपुट होगा तो आपको जीरो मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी डिटेक्टर। वैसे ही एक्सॉर गेट का एक और भी नाम है, और उस नाम को हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये अपने पास ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर है। क्या है सर, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, सर कौन, सर एक्सॉर गेट और क्या, ये देखो एक्सॉर गेट ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, नोट कर लो इसको आप बढ़िया सा टेबल बना के। Odd number of ones detector, ठीक। और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग क्लास एंड करेंगे। देखो क्वेश्चन टॉप में लिखा हुआ है और मुझे उसका वैल्यू बता दो आप, क्या आएगा, जीरो आएगा कि वन आएगा, ये क्वेश्चन समझ में आया, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर है ये, ठीक। सर बताओ उस क्वेश्चन जो मैंने टॉप में लिखा हुआ उसका आंसर क्या आएगा, ठीक। तो बोले सर यहां पे तो बहुत सारा इनपुट हो गया, देखो आंसर देना स्टार्ट कर दिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारा इनपुट हो गया, क्या करें, कुछ नहीं है यार, सब में एक्सोर ऑपरेशन हो रहा है ना, तो वन बाय वन भी आप कर सकते हो, वन एक्सोर विथ जीरो वन, वन एक्सोर विथ वन जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन वन, वन वन वन, फिर वन जो मिला उसका दिए वन वन जीरो, फिर जीरो के साथ वन मिला सर वो भी वन, वन वन के साथ जीरो, जीरो जीरो के साथ जीरो, जीरो वन के साथ वन, और लास्ट में वन वन के साथ जीरो। समझ में आए, नहीं सर बहुत टाइम लग गया, क्या करो आप, सर एक्स और ऑड नंबर्स का वन, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर है, कितने वन है यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सर यहां पे तो आपको दिख रहा है कि n इक्वल टू एट है, कितने हैं नंबर ऑफ वंस, कितने हैं सर इवन है, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो कंफर्म जीरो होगा, क्योंकि यहां पे ये ऑड नंबर्स वन को डिटेक्ट करता है, लेकिन ये तो इवन नंबर्स में है, मतलब आउटपुट विल बी जीरो, ठीक है। कल हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्लास तो एक्सनॉर गेट की बात करेंगे पूरे डिटेल में, एक्सनॉर गेट में भी सेम कुछ यहाँ पे हम लोग पूरा कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को कुछ नई चीजें यहाँ पे जानने मिली होंगी आज की क्लास में, तो कल हम लोग मिलते हैं एक्सनॉर गेट के साथ, ठीक, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत सारे करेंगे, ठीक है। सो उसको आप नोट कर लो, बाय बाय क्लास, थैंक यू।